जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी तरफ लोन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल सिर झुकाता है। एक तरफ जहां शेर की एक दहाड़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वही टाइगर की प्रेजेंस बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी बेशुमार ताकत और बेखौफ अंदाजे के मुकाबले में दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता। मगर कभी सोचा है आपने, अगर कैट फैमिली के इन दो महाबली शिकारियों का आपस में मुकाबला हो तो मंजर क्या होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रख पाने में सफल होगा और किसकी हार उसकी साख को कमजोर कर देगी? आज के इस वीडियो में हम बहुत करीब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और एक बाघ आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। आप अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाइए, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के बादशाह शेर की। जरा इसका अंदाज देखिए, ये किसी भी मामले में किसी राजा से कम नहीं लगता और इसकी गर्दन के आसपास बालों का ये गुच्छा इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इस दुनिया में मेनली दो तरह के शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस। एशियाटिक लायंस तो खैर अब बस भारत के गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन की तुलना में ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। अगर इनके वेट की तुलना की जाए तो एशियाटिक लायंस का वजन होता है करीब 190 किलो के आसपास, वही अफ्रीकन लायन करीब 200 से 210 किलो तक वजनी होते हैं। हाइट की बात की जाए तो एशियाटिक लायंस करीब 3.5 फीट ऊंचे होते हैं, तो वही अफ्रीकन लायंस 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। और अगर लेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो एशियाटिक लायंस की लेंथ होती है करीब 8 फीट के आसपास, वही अफ्रीकन लायंस करीब 10 फीट लंबे होते हैं। यानी वेट, हाइट और लेंथ सभी में अफ्रीकन लायन ही आगे है। ऐसे में मुझे लगता है हमें टाइगर के खिलाफ मैदान में अफ्रीकन लायन को ही उतारना चाहिए। टाइगर कैट फैमिली में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी और टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता। टाइगर एशिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं और इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, बांग्लादेश, रशिया, मलेशिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों में आसानी से देखे जा सकते हैं। भारत में तो दुनिया के 80% टाइगर रहते हैं, जो बंगाल से लेकर नीचे कर्नाटक, बीच में मध्य प्रदेश और ऊपर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। यानी साफ है, जू को छोड़कर धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये दोनों जानवर साथ में रहते हो। अगर इनके वेट की बात की जाए तो इनका वजन करीब 220 किलो तक पहुंच जाता है, वही इनकी हाइट करीब 4 फीट तक होती है। अगर लेंथ की बात करें तो नाक से पूंछ तक टाइगर करीब 12 फीट तक लंबे होते हैं। यानी शरीर के आकार में तो टाइगर अफ्रीकन लायन से भी आगे निकल गया। अगर सिर्फ आकार की बात करें तो टाइगर बिना किसी सीधी जंग के विजेता घोषित कर दिया जाना चाहिए। मगर भाई साहब जरा रुकिए तो, लड़ाई में सिर्फ बड़ा शरीर ही तो काम नहीं आता, और भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों को मेजर करते हैं और फिर हार और जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स। वक्त शिकार का हो या बात लड़ाई के मैदान की हो, किसी भी शिकारी जानवर के लिए जबड़े की पकड़ और उसकी मजबूती बहुत मायने रखती है, ताकि वो शिकार या फिर दुश्मन की गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है करीब 650 PSI, वही अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये करीब पहुंच जाता है 1050 PSI तक, यानी लगभग दुगना। यानी एक बात तो साफ है कि अगर कहीं शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गई तो राजा साहब की तो इस दुनिया से छुट्टी ही हो जाएगी। मगर शेर को जंगल का राजा ऐसे तो कहते नहीं, उनकी गर्दन के आसपास के ये जबराले बाल उनकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बनाना इतना आसान भी नहीं होगा। पावर ऑफ क्लॉ एंड टीथ। किसी भी शिकारी जानवर के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दो सबसे मेन हथियार होते हैं, क्लॉ एंड टीथ।
ये ही वो हथियार है जिसकी मदद से शिकारी अपने शिकार की चीर फाड़ करते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की लंबाई की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच लंबे होते हैं। वही अगर टाइगर के पंजों की बात करें तो इनके पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं, यानी कि पंजों की साइज में भी टाइगर भाई साहब राजा साहब से आगे निकल गए। अब अगर टीथ यानी दांतों की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत करीब 2.5 इंच के आसपास होते हैं, वही टाइगर के सबसे लंबे दांत 3 इंच के आसपास होते हैं, यानी टाइगर यहाँ भी बाजी मार ले गया। खैर अभी कुछ और चीजें चेक करना बाकी है। रो कहते हैं कि अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं, तो आधी जंग तो यूं ही जीत गए। आप मजबूत हो या ना हो, आपका प्रभाव मजबूत होना चाहिए। ऐसे में आपकी बुलंद आवाज किसी भी लड़ाई में बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ करीब 12 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। वही अगर टाइगर की दहाड़ की बात करें तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। शेर भाई साहब भी ऐसी चीज में आगे निकल गए जिसकी एक्चुअल लड़ाई में कोई जरूरत पड़नी ही नहीं है। मुझे तो शेर भाई साहब टाइगर के सामने केवल ऊंची दुकान फीके पकवान नजर आ रहे हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होता है। रनिंग स्पीड एंड जंप। युद्ध का मतलब सिर्फ आक्रामक होना ही नहीं होता, कभी कभी वक्त के हिसाब से बचाव के तरीकों का भी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे में आपकी भागने और उछलने की काबिलियत बड़ी काम आती है। अगर हम शेर की भागने की स्पीड की बात करें तो लायन करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वही अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर की स्पीड होती है करीब 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर लड़ाई के बीच में किसी वजह से इन्हें भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, मगर बेचारा टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। वही अगर इनके उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर हवा में करीब 12 फीट तक उछल सकता है, तो वही टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है, यानी शेर यहाँ भी मात खा गया। स्विमिंग। अब जरा एक खास एबिलिटी की बात कर ली जाए, तैरना। वैसे तो लायन और टाइगर दोनों ही बहुत अच्छे तैराक होते हैं, मगर जब बात आएगी लंबे समय तक तैरने की तो लायन भाई साहब की सांसें फूल जाएंगी। जी हाँ, लायन की तुलना में टाइगर लंबे समय तक और कहीं बेहतर तरीके से तैर सकता है, और कहीं गलती से पानी में ये दो जानवर आपस में भिड़ गए तो लायन का हारना तो लगभग तय है। हंटिंग स्किल्स। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है और एक प्राइड में करीब 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। प्राइड में ज्यादातर शेरनिया ही होती है और शेर केवल एक ही होता है। ज्यादातर तो शेरनिया ही शिकार करती है। बच्चों की देखभाल और खाने का बंदोबस्त करने का जिम्मा शेरनियों का ही होता है। शेर केवल अपने एरिया की और अपने परिवार अपनी प्राइड की रक्षा करता है। ये ज्यादातर वक्त सोने में ही बिताता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही शिकार करने के लिए मैदान में उतरता है। मगर अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। केवल मेटिंग के वक्त ही कुछ दिन किसी बाघिन के साथ गुजारते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद वापस चले जाते हैं। बाघिन अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती है। बच्चों को बड़ा करने के बाद और उन्हें शिकार करना सिखाने के बाद इन बच्चों को भी अकेले ही रहना पड़ता है। टाइगर अकेले ही अपना शिकार करते हैं, उन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये अपनी प्लानिंग खुद बनाते हैं और खुद ही उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल्स लायन के मुकाबले में कहीं बेहतर होती है। तो इतनी सब बातें जानने समझने के बाद हम इस नतीजे पर बड़े आराम से आ सकते हैं कि शेर और टाइगर अगर आपस में भिड़े तो टाइगर के जीतने के फुल चांसेस है, वही जंगल का राजा बुरी तरह से हार जाएगा। चाहे बात वजन की हो, हाइट की हो, लेंथ की हो, बाइट फोर्स की हो, पंजे और दांतों की ताकत की हो, स्विमिंग, जंपिंग या हंटिंग स्किल्स की हो, सभी मामलों में शेर टाइगर के सामने दूध पीता बच्चा नजर आता है। अगर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। मगर अब सवाल उठता है कि अगर टाइगर लायन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है, चालाक है, बेहतर शिकारी है और उससे भी बड़ी बात शेर को हराने की पूरी काबिलियत रखता है, तो फिर लोग शेर को ही जंगल का राजा क्यों मानते हैं? टाइगर को क्यों नहीं? सही मायने में तो टाइगर
को जंगल का राजा होना चाहिए। दरअसल अगर हम इंडिविजुअल जानवर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है शेर कमजोर पड़ जाएगा, मगर शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर या उसकी स्किल्स नहीं, उसका परिवार है। आप भले कितने ही मजबूत हैं, मगर अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। शेर परिवार के साथ रहता है और इसलिए वो जंगल की बादशाहत का हकदार है। इतिहास गवाह है कि जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी टाइगर के जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। टाइगर भी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि शेर कभी अकेला नहीं होता। परिवार की एकता की ताकत के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेरों के पूरे झुंड से होगा। और सब जानते हैं कि शेरों के पूरे झुंड से जीत पाने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए जंगल का असली राजा वो शेर ही है। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग इन दोनों शिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जब ये दो महादानव आपस में भिड़ेंगे तो किसकी होगी जीत और कौन मुंह की खाएगा? आप मुझे कमेंट में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं।